किरण खेर 2 साल से पंजाब में लोकसभा चुनाव जीत रही हैं। इस बार वे चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, ये सवाल कई लोगों के मन में था। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वे इस बार चुनाव मिस नहीं करेंगी, वे तगड़े मार्जिन से जीतने के बाद भी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। किरण ने बताया कि उन्होंने अमित शाह और नड्डा से बात करके खुद अपना नाम हटवाया है। साथ ही बताया कि जब उन्हें कैंसर हुआ था तो प्रधानमंत्री ने फोन पर क्या कहा था। किरण खेर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि पवन कुमार बंसल को 70,000 वोट से हराने के बाद भी वे चुनाव से पीछे क्यों हट गई। इस पर किरण ने जवाब दिया, मुझे पता है कि चंडीगढ़ में ये सबसे बड़ा मार्जिन था, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे। किरण बोली कि ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उन्हें चुनाव से रोका, बल्कि ये उनका फैसला था। जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो बुरा लगता है। किरण ने कहा, मैं जानती हूँ कि पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी, मेरे लिए पार्टी बहुत अहम है, मोदी जी बहुत इम्पोर्टेंट है, वे बहुत दयालु हैं। जब मैं बीमार थी तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा आप जरा भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं परेशान थी कि पार्लियामेंट नहीं जा पा रही, मैंने कभी पार्लियामेंट मिस नहीं किया था। ऐसे में लोग बोलते हैं कि उनकी टिकट कट गई तो अच्छा नहीं लगता। किरण ने कहा कि वे चंडीगढ़ से कहीं नहीं जा रही, हो सकता है अगली बार चुनाव लड़ लें। लोग जब गलत बातें बोलते हैं तो खून जलता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।